पहले तो था द कश्मीर फाइल्स, अब बनने जा रहा है मेघालय फाइल्स। अभी 25 दिसंबर आते हैं, मेरे कुछ सेकुलर और लिब्रांडो भाई लोग जो है सोशल मीडिया पर झड़ी लगा देंगे, मैरी क्रिसमस ईसाइयों को बधाई देंगे। और अपना जो सेकुलर वाद है, जो ईसाइयों के साथ इनके जो भाव के भाव बंधुत्व के जो भावना उसे प्रदर्शित करेंगे। लेकिन उन्हीं भाइयों को अगर मैं ये बताऊँ कि मेघालय में जो है आज हिंदुओं का किस तरह से नरसंहार किया जा रहा है, कश्मीर घाटी की तरह आज जो है मेघालय में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, तो उनके मुँह खुले के खुले रह जाएंगे। उनको इस बात पर विश्वास भी नहीं हो, उन्हें सबूत चाहिए होंगे, लेकिन मीडिया के द्वारा तो कवर किया नहीं जाता और जो सरकार जो है इस पर चुप है। लेकिन वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा वहाँ हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार किया जा रहा है, जिस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। और ये हमारे सेकुलरवाद जो है, ये जो सेकुलर है हमारे जो लिब्रांडू जो भाई लोग हैं वो सोशल मीडिया पर 25 वो जो है सोशल मीडिया पर जो है 25 दिसंबर आते ही जो है मेरी क्रिसमस की झड़ी लगा देंगे। और वहीं आगे चलकर 1 जनवरी को जो है ईसाइयों का जब न्यू ईयर होता है, उस पर भी ये जो है हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयाँ देने में किसी तरह से कम नहीं होंगे, किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इनसे मैं एक बार पूछ लूँ कि हिंदू नववर्ष की स्थिति में होता है क्या होता है, तो इनके मुँह खुले के खुले फिर से रह जाते हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेकुलर और लिब्रांडू भी तो बनना है। एक बार JNU में लिखा जाता है ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, इस पर सब लोग सीरियस लेते हैं, इस पर डिबेट होती है, कई सारे वीडियोस बनते हैं, यहाँ तक कि इस पठान के सॉन्ग बेशरम रंग पर भी वीडियो बनते हैं, सभी लोग बात करते हैं। लेकिन मेघालय में जो हो रहे नरसंहार है, हिंदुओं को जो है किस तरह से मारा जा रहा है वहाँ, इस पर कोई बात नहीं करता है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, लिब्रांडो सेकुलर लोग हैं, जो अन्य किसी मामले में आगे कूद पड़ते हैं, आगे रहते हैं, लेकिन अब ऐसे मामलों में जो है वो इस पर बात तक नहीं करना चाहते हैं। तो अब सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश में जो है किस तरह के माहौल को जो है जन्म दिया जाता है, कैसे लोगों को सपोर्ट किया जाता है और किस तरह के न्यूज़ को जो है दबा दिया जाता है। तो आज के समय अपने आप को राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी कहते हैं, वो भी जो है इस मामले में चुप है, वो भी कुछ कह रहे हैं। आप उनके जो आप जिनको भी फॉलो करते हैं उन्हें जाके कमेंट्स में कहिए, उन्हें इस बात का एहसास दिलाइए कि हिंदू जो है आज कम होते जा रहे हैं, उनका नरसंहार अत्यधिक बढ़ गया है, पूरा देश जो है कश्मीर वैली बन के रह जाएगा अगर ऐसे चलता रहा तो उन्हें जो है आप भी जो है उनके कमेंट सेक्शन में जाके अपने राष्ट्रवादी जो भी आप फॉलो करते हैं उन्हें जो है इसके बारे में सचेत कीजिए, उन्हें कहिए कि इस पर बात करें। क्योंकि मैंने खुद कई चैनल वालों को देखा है जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन इस पर वो बात तक नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं कि पाकिस्तान में कैसे हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को सताया जा रहा है, वहाँ सफाया हो जा रहा है हिंदुओं का। कश्मीर फाइल्स की बात तो अभी आई है, कश्मीर के मुद्दे को जो कि भारत में ही हुआ था, जिसको हमको किसी को पता ही नहीं था, उसके बारे में फिल्म आती है, सनसनी फैल जाती है, सभी जो है सभी के दिल दहल जाते हैं कि ऐसा भी हुआ था, हमें पता भी नहीं था, क्योंकि हमें पते लगने ही नहीं दिया गया था। वैसे भी फिलहाल हो भी रहा है, ऐसा बात नहीं कि कुछ बंद हुआ है, अभी भी चल रहा है। मेघालय में हिंदुओं को कितना तड़पा जा रहा है, कितना सताया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, मिशनरीज को इस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसका सरकार भी जो है विरोध नहीं कर पा रही है। फिर हम कह रहे कि सरकार भी उन्हीं से मिली हुई है, जहां पुलिस प्रशासन से लेके आप किसी भी बड़े बड़े नेता दल को ले लीजिए, वो सभी जो है हिंदू पर अत्याचार को देख रहे हैं, यहां तक कि जो है केंद्र पर सवाल उठाया जाना चाहिए। बड़े बड़े लोग जो है अपने आप को जो है लिबरल कहते हैं, वो जो है इस मामले पर चुप हैं, क्योंकि हिंदुओं पर तो अत्याचार होते ही नहीं, हम तो सब काल्पनिक ही हैं ना। तो भाइयों, इस मुद्दे को आगे बढ़ाओ और इसको जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाओ, ताकि जो है मेघालय की जो जनता हिंदू जनता है उनको जो है सुरक्षा प्रदान उनको सुरक्षा मिल सके, क्योंकि हिंदुओं की जो जनसंख्या वो लगातार देश में घटती जा रही है, हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। तो जागो। अब हम क्या ही बता सकते हैं आपको, जितना भी बताया डिटेल वो तो कम ही है, लेकिन हमारा छोटा सा चैनल है, छोटा सा प्रयास है, अब जितने लोगों तक के पहुंच सके, जो लोग भी भाई लोग देख रहे हैं वो अपने तरफ से कुछ करें तो कर सकते हैं, और सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए भाइयों, क्योंकि हमारा जो 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 भी 2-4 लोग भाई इसको देखने वाले हैं वो भी जो है अपने हिसाब से कुछ भी अगर हो सके तो आप अपना योगदान दे सकते हैं हमारे भाइयों की रक्षा करने के लिए और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। जय श्री राम।